சரம் வியாப்தம் யேன சராசரம் தத் பதம் தர்ஷிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ கர்மசாகர் பிரபுஜி கே பிரேம் பக்தி சிறு பந்துகோ, அபி ஹம்னே பிரபு கே சரணோ மே உன்கே பாரே மே பஜன் காயா. பிரபுஜி கே வாஸ்து சச்முச் संसार के ऊपर महान कृपा है, सारे संसार के ऊपर, केवल एक के ऊपर नहीं, एक देश के ऊपर नहीं, सारे संसार के ऊपर एक महान कृपा है. उन्होंने संसार को योग दिया और योग के आश्रम दिए. योग देने का भाव यह है कि मनुष्य मात्र को दिया, सब मनुष्यों के लिए है, क्योंकि जो योग है इसका संबंध शरीर से, मन से और आत्मा से है. और प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये तीनों चीजें हैं, शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है. इन से संबंध रखने वाली विद्या योग है. योग द्वारा ही हर एक मनुष्य सुखी हो सकता है, उसका शरीर, उसका मन, और फिर योग द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर निरोग होगा तभी हमारी इस आगे की जो यात्रा है तय हो सकेगी. शरीर अगर गिर गया तो हम वहीं ठहर गए, इसलिए शरीर के लिए प्रभु जी ने मुख्य साधन बताए जो हर एक को करने चाहिए, ताकि शरीर की समस्या उसके सामने कोई बाधा बनकर ना आए. और ये सब मनुष्यों के लिए है. आज प्रभु जी के इस देन को संसार पहचान रहा है. आज से 50 साल पहले लोगों को कुछ पता नहीं था इसके गुणों का और इसके विषय का, लेकिन आज कोई भी मनुष्य संसार के अंदर इससे अनभिज्ञ नहीं है, चाहे वो इसको अभ्यास में लाए या ना लाए, क्योंकि हम अपने अंदर ही देखते हैं. प्रभु जी की शिक्षा को हम जानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसका रोज अभ्यास कर रहे हों. हमें करना चाहिए. प्रभु जी दिया है, उसका हम लाभ उठाएं, अपने शरीरों को सुखी रखें, निरोग बनाएं, ताकि हमारी आगे की यात्रा में चल सकें. क्योंकि जब शरीर ठहर जाता है तो हमारी यात्रा भी रुक जाती है. तो ये जरूरी है कि हम नित्य प्रति इसका अभ्यास करें, 24 घंटों में से आधा घंटा भी निकाल लें, बाकी 23.5 घंटे जो मर्जी करें, उसमें कोई रुकावट नहीं प्रभु जी करते. लेकिन आधा घंटा तो हमारे लिए, उनके इस काम के लिए देना, हमारे जीवन के मोक्ष के साधना के लिए एक रास्ता हमें बनाता है. तो ये शरीर हुआ, प्रभु ने हमारे मन के लिए दिया. हमारा मन जो है ये वास्तव में बड़ा ही एक यक्ष है, दिखलाई देता परंतु बोलता है, काम करता है, तंग करता है, सुख देता है, बड़ा कुछ देता है, दिखलाई नहीं देता, बड़ा शक्तिशाली है. कहते हैं आत्मा न जल में गीला होता है, न अग्नि से जलता है, न वायु से सुखाया जाता है, न तलवार से सुखा सकता है, उसे कहीं बह नहीं है. परंतु आत्मा को भी भय है. प्रकृति की स्थूल चीजों से किसी से भी आत्मा को भय नहीं,
परंतु आत्मा अगर डरता है तो सूक्ष्म से डरता है और वो है मन। मन से हमेशा ही आत्मा डरता रहता है। जो आत्मा सर्वशक्तिमान है, इतना है, भगवान का अंश है, वो भी मन से डरता है। कारण क्या कि कारण मन आत्मा का ही है, लेकिन आत्मा और मन का जैसे आप संसारी के कोई उदाहरण से देखें तो जब मन किसी को पिता का पुत्र बिगड़ जाता है तो पिता अपने पुत्र से भी डरने लगता है। किसी का नौकर चोर हो तो मालिक चोर से भी डरने, उसका नौकर से भी मालिक डरने लगता है। इसी तरह आत्मा भी डरता है, परंतु पुत्र अगर लायक हो तो पिता उसे प्यार करता है, उसको संभाल के रखता है, उसको अपना समझता है। यही आत्मा और मन का संबंध है। आत्मा का मन को नौकर कहो, पुत्र कहो, कुछ कहो, आत्मा के साथ गहरा संबंध है। आप जो हम योग करते हैं, योग में क्या करते हैं, मन को हम टिकाने का यत्न करते हैं, एक जगह टिके मन, कोई किसी जगह टिकाता है, किसी जगह टिकाता है। योग में कहा कहीं टिकाओ, यथा मत अभी ध्यान अथवा, जैसे जहां मन चाहो टिका लो, कोई बंधन नहीं है। मतलब है मन को किसी जगह टिकाना, टिकते टिकते उस जब अवस्था आ जाती है उसको एकाग्रता अवस्था कहते हैं। एकाग्रता बढ़ते बढ़ते समाधि की अवस्था में चल जाता है मन। समाधि की कई सीढ़ियां हैं, उनमें जाता है, अंत में वो मन एक अवस्था आती है। योग दर्शन का पहला ही सूत्र है योगाश्चित वृत्ति निरोधा। योग की उत्तम अवस्था क्या है, जब चित्त निरोध हो जाए, ठहर जाए। तो ठहर कर कहाँ जाएगा, जब अपने घर में आते हैं तभी ठहरते, नहीं तो ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो आत्मा के अंदर ठहर जाता है आकर। अब आत्मा के अंदर ठहरने का भाव यह है कि मन इसी तरह खत्म हो गया जैसे अग्नि में आहुति डाल देते हैं, मन खत्म हो गया। जब मन खत्म हो गया तो मुक्ति हो गई। अब वह मन जो के आत्मा के अंदर लीन होकर आत्मा को मुक्त कर देता है, वही मन पीछे जाते 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 भटकता भटकता वह मनुष्य को योनियों में ले जाता है, नरकों में भी ले जाता है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि मन ही मुक्ति दिलाता है, मन ही नरक दिलवाता है, मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। तो ये क्या चीज है, क्या है मन जो आत्मा को डराता है। लेकिन अगर एक पिता का पुत्र हो, वही पुत्र दुश्मन बन जाता है, वही दोस्त बन जाता है, तो उसका कारण क्या है। जिस पुत्र को शिक्षा दी है वो तो दोस्त है, जिसको शिक्षित नहीं किया वो दुश्मन है कुसंग पढ़कर। ऐसे मन का हाल है, जिस मन को ट्रेनिंग दी है वो तो मुक्ति देगा, और जिस मन को खुला छोड़ा है वो नरक में ले जाएगा। इसलिए गीता में कहा कि मन को भी तपस्या चाहिए। लोग समझते हैं शरीर की तपस्या होती है, कई तरह की तपस्या करते हैं, शास्त्र में वर्णित है, गीता में वर्णित है अपने अपने ढंग से, लेकिन मन की तपस्या भी होती है। मन की तपस्या के
पांच प्रकार के भेद हैं मन की तपस्या के। उनको हमने अगर ध्यान से अभ्यास में लाएं, कुछ करें, मन सजता 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 आत्मा का मित्र बन जाएगा। और वो मन को तपस्या न दी तो बिना सधाए हुए घोड़े की तरह सवारी को कहीं खड्ड में गिरा देगा, आत्मा को नरक में ले जाएगा। तो गीता में एक श्लोक आता है मन की तपस्या का, मन प्रसादा मौनत्वम, मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि रेत मनस्तप उच्चते। ये गीता का श्लोक है, आप इसको देख सकते हैं 17वें अध्याय में जाकर, 16वां श्लोक है। मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि एत मानसम तप मुच्यते। अब ये पांच अगर हम ध्यान से देखें और उनकी किस तरह इनको मन को के अंदर ये उनको तपस्या देनी है, तो सचमुच हम मन को आत्मा का सेवक बना देंगे और मन आत्मा को मोक्ष की तरफ ले चलेगा। फिर जब कहते हमारा मन लगता नहीं, मन तो खुद ही लगेगा, क्योंकि उसी मन में तो आत्मा को समाधि में ले जाना है, मोक्ष में ले जाना है। जब पुत्र को पता है कि मैंने बाप को बुढ़ापे तक सेवा करनी है तो उसके साथ ही रहेगा। जब मन को पता है मैंने मोक्ष तक ले जाना है तो मन क्यों आत्मा से फिर अलग होगा, फिर तो भटकेगा नहीं। भटकता इसलिए कि मन को साधा नहीं है। तो इन पांचों को संक्षेप में थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे क्या होते हैं। पहला तप है मानसिक तप, मन प्रसादा, मन का प्रसाद में होता है मन को निर्मल करना। अब मन को निर्मल करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। कहते हैं तेरा मन बड़ा मैला है, उसका मन बड़ा साफ है। साफ तो ये आम भाषा में कहते हैं ना, तो मन मैला होना या मन साफ होना, उसका मन बड़ा शुद्ध है, उसका मन बड़ा गंदा है। तो गीता कहती है मन को साफ करना। कहते हैं ना मन मंदिर में झाड़ू लोग लगाया कर, तो किस लिए झाड़ू लगाया कर, क्या मतलब? साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं ना। साफ तो आम लोग तो कहते हैं, आम भाषा में सुनते हैं, और गीता में भी वही कहा है, वो कोई नई चीज नहीं कही। गीता को पढ़ो और वही लोगों से सुनो, बात तो एक ही है कि मन को झाड़ू लगाना, मन को साफ करना, शुद्ध करना। और शुद्ध जगह बैठे ना तो वह प्रसन्नता भी होती है। इसलिए प्रसाद का दूसरा मतलब प्रसन्नता भी है, क्योंकि मन को शुद्ध करो, मन फिर प्रसन्न रहेगा। अब शुद्ध कैसे करें, मन को झाड़ू कैसे लगाएं? मन का झाड़ू कहते हैं नाम नाम नाम, नाम ही मन का झाड़ू है। भगवान का नाम लेना ही मन का झाड़ू है। हम तो कहते हैं, नहीं लोग आते हैं, पर देखो हम आपको प्रभु जी का नाम जो है ना, इसको ये नहीं कि आप घंटा भर बैठ के बस माला फेर लो, नहीं, मन की माला फेरनी चाहिए। कार्य का मन का छोड़कर मन का फेर, और वो मन का जो मन का है वो तो सर्वदा फिर सकता है, उसको बैठकर एक थैलियों से लेने की जरूरत नहीं है। सारा दिन मन का फेर तेरा कर, मन शुद्ध रहेगा, झाड़ू जलता रहेगा। लेकिन
मन का जो है, मन का फेरने के लिए, मन के लिए फेरने ना, तो ये नहीं कि फिर जुबान में फेरना है, फिर तो मन नहीं फेरना ना, क्योंकि साधना तो मन की है, जुबान की नहीं है, हाथों की नहीं है। तो फिर क्या करें, वहां भी हमें शास्त्री सहायक होते हैं, गीता सहायक होते हैं, गीता पढ़ते हैं, गहराई के साथ करनी चाहिए कि हमने कैसे मन का फेरना है। मां श्लोक आता है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति तेजन देयम सा याति पराम गति। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति तेजन देयम सा या याति परम त्याजन देयम सा याति पराम गति। मुक्ति का जट बता दिया कि मोक्ष लेना है तो ये मन का फेरो, मन ओम इति का अक्षर ब्रह्म, एक अक्षर जो ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है ओम। अक्षर के दो मतलब होते हैं, एक अक्षर का मतलब है वर्ण और एक अक्षर का मतलब जो खराब टूटे ना, दोनों अर्थ है। जो ओम शब्द है ये एक अक्षर है, ये आ और माँ नहीं है, ओम ये है, ओ जो है ये एक अक्षर, ये मंत्र है ओम। पर माँ कहाँ से आ गया, माँ तो भाई मुंह बंद करेगा तो माँ आ ही जाता है, नहीं तो ओ करते हो सारी वो ही करते हो, माँ तो साथ वैसे उसका पूछ जुड़ी हुई है, अंतर तो वही है। तो ये एक अक्षर है और ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म का नाम है वो भी अक्षर है, निरंतर है, सदा रहने वाला है। तो ओम एक अक्षर ब्रह्म, ये ब्रह्म का ही एक नाम और नामी में भेद नहीं होता। अगर किसी का नाम ले तो उसकी शक्ल सामने आती है। संसार में दो चीजें इतनी जुड़ी हुई है नाम और नामी के साथ, अग्नि और अग्नि का नाम जुड़े हुए हैं, भगवान का नाम और भगवान जुड़े हुए हैं, अलग नहीं होते ये। तो इसलिए ओम का मतलब वो ब्रह्म भी और ओम का मतलब भी उसका नाम भी। ओम एकाक्षर ब्रह्म और एक व्याहरण जो इसका व्याहरण करता रहता है, उच्चारण नहीं करता था, इसको अपने अंदर जो सदा ही इसके अंदर चलता रहता है, हमारे खून के साथ, हमारे श्वास के साथ, हमारे नाड़ियों के साथ, ये बस ये चलता ही रहता है। कहते हैं ना श्वास में जप करना चाहिए, वो श्वास का मतलब वो नहीं, प्राण है, प्राण की नाड़ियों के अंदर अंदर ये चलता रहे। ओम एकाक्षरम व्याहरण, उसके अंदर गूंजता रहे, शरीर के अंदर गूंजता रहे शब्द, और साथ जिसका नाम है वो मैं भी तो रहूं, माम अनुस्मरण मुझे याद करते हुए, तो मुझे याद करते हुए ये मंत्र सदा जपते रहो। अब मन में जपना है, मन में दूसरी चीज कहां गई, मन तो साफ हो ही गया। तो जो इस प्रकार शरीर छोड़ता है ना, वो तो मेरे पास ही जाता है, मुझे प्राप्त होता है। तो इसका भाव यह है कि उस मंत्र को जपते हुए, मुझे स्मरण करते हुए, जो शरीर छोड़ता है मुक्त हो जाता है। अब मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, नाम कहते तो है लेकिन नाम को हमने दो रूप है जपने के, दो यानी के उसके क्रिया है, एक तो हमारे अंदर चलता रहे और अंदर फिर
उसे कोई याद भी करते नहीं जिसका नाम है। तो किसका नाम है वो? क्या कृष्ण का नाम है? कृष्ण का नाम नहीं है। कृष्ण ने जो मैं कहा गीता में, कहते मैं मतलब ये शरीर नहीं हूं, हम आत्मा सर्वभूतेषु, मैं स्वप्राणु में आत्मा हूं, जहां मैं कहता हूं आत्मा है वो, तो उस आत्मा को स्मरण करते हुए वो ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा को स्मरण करते हुए ओम ओम जो सारा दिन करता रहता है उसको मुक्ति स्पष्ट है, तो मन मैला कैसे होगी तुम? तो मन का झाड़ू और गीता वही कहा ना कि चित्त वृत्ति कहां होगी? दृष्टु स्वरूप है, आत्मा के अंदर जब लीन हो जाएगी, तो आत्मा के अंदर लीन होने का साफ तो बतला दिया कि आत्मा के अंदर चित्त वृत्ति लीन इस तरह होगी जब सारा दिन भगवान का नाम लेते रहोगे, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को भी साथ सामने रखोगे, तो फिर मन गंदा कैसे होगा? मन गंदा तो होगा जब मक्खी गंदगी और बैठेगी तब गंदी होगी ना, फूल को और बैठेगी तब गंदी थोड़ी होगी, फिर तो साफ ही रहेगी ना। मन भी एक भंवरे के समान है, जहां बैठेगा उसको वही चीज लगेगी। तो इसलिए ये मन की साधना जो है निर्मल करने की, वो हमें मन में उसे भगवान के नाम का झाड़ू फेरने से होती है। नाम की महिमा बहुत है, लेकिन नाम की महिमा का रहस्य ये है, सारे कहते नाम जपो, कोई हर एक मजहब माला लेकर फेरता रहता है, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वो कि वो इसको तस्बीह कहता है, कोई माला कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसलमान इसको तस्बीह कहते हैं। और हमने बुद्धों को देखा, वो तो उनकी माला ही बड़ी होती, इतनी लंबी माला होती, सड़क पर चलते चलते फेरते रहते हैं, और ईसाई भी माला फेरते हैं। पर माला जो फेरते हैं उसका रहस्य योग है कि इसको फेरना कैसे है, और योगियों ने कह दिया साफ, उनको खंडन भी कर दिया कि तुम हाथ से माला फेरते हो, कर का मन का छोड़कर मन का फेर, उसका उनको ने खंडन भी कर दिया कि तुम जो करते हो गलत कहते हो। अब हम कहते मैंने 1,00,000 मंत्र मुझे कहा है फेरो तुम्हारे ये ग्रह टलेगा, 1,00,000 मंत्र मतलब माला फेरता रहता है, वो गिनता रहता है, तो उसको माला तो शायद लाभ हो जाए, उसको लाभ होगा नहीं। तो इसलिए ये पहला जो ताप है ना, ये हमारा ताप ये है कि मानसिक तप करने के लिए हमें अपने मन को मंत्र द्वारा शुद्ध करते रहना चाहिए। दूसरा है सौम्यत्व। सोम क्या होता है? आप कहते हैं आज सोमवार है, सोम मैंने चंद्रमा शांत है ना, सूरज तेज है, सोमत्व हमारा मन शांत होना चाहिए, जैसे कि ठंडा रहना चाहिए, साफ भी रहे और ठंडा भी रहे, जल्दी क्रोध में आए। जो जल्दी क्रोध में आ जाते हैं उसमें सोम गुण तो नहीं ना। अब आएगा कैसे? जब हम देखो एक तपस्या जब क्या करती है तो दूसरी तपस्या का जो फल है साथ ही उसको अगले पग को मिल जाता है, वो भी उस तरह हो जाता है, एक कदम चले दूसरा कदम उसके साथ आगे बढ़ जाता है। तो लेकिन हम मन को साफ ना करेंगे तो मन फिर शांत कैसे रहेगा? गंदे जल के को कहें कि उसमें से बदबू ना निकले, तो गैसे ना निकले, तो निकलेंगी शुद्ध जल में थोड़ी गैसे निकलेंगी, मन साफ करेंगे तो खुद ही मन साफ सौम रहेगा। इसलिए उसका दूसरा ध्यान रखना है सौम, मन जो है मेरा उसमें सौमत्व आए, ऋषि लोग सौम रस भी पिया करते थे, ऐसा जिससे उसका बुद्धि भी शांत रहे मन भी शांत रहे, उसको सौम रस कहते थे। अब क्या पीते थे? आज तो हम देखो शरबत पीते हैं, कुछ पीते हैं ताकि हमारा गर्मी शांत हो, उनका भी कुछ पेय था जिसका भी तुम जिक्र है सोम रस, और वो पीते थे। इस मन को शरीर को शांत रखने के लिए कोई भी चीज़ हो वो उपयोगी है। तो
ये हमारे अंदर रहना चाहिए, कभी मन के अंदर क्रोध ना आने दें। अगर हमने मन को आत्मा के साथ जोड़ना है, आत्मा का मित्र बनाना है, क्रोधी मन तो आत्मा का मित्र नहीं होगा, शांत मन ही आत्मा मित्र। तीसरा उससे हमने मन को ये करनी है मौनम। मौनम का मतलब होता है शांत, साइलेंट कहते हैं, उसने मौन रखा है, मौन रखने में चुप बैठा रहता है, मन को भी चुप करना है, मन चुप नहीं होता। अब मन का संबंध हमारी जुबान के साथ है, बहुत है। जब जुबान से वही निकलता है जो मन के साथ हो, जो बहुत बातें करता है उसका मन शांत नहीं हो सकता, इसलिए साथ न मनाई कि थोड़ी चुप रहो, ज्यादा बातें ना करो, मतलब की बात करो, तो मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम निंदा चुगली करते रहें, गप्पे मारते रहें, फजूल की चर्चाएं करते रहें, तो उससे तो मन फिर हमारा जो है उसमें शांति नहीं आएगी। मन को शांति रखने के हमें जबान के ऊपर भी संयम करना होगा। शरीर और मन जो है इकट्ठे चलते हैं, तो इसलिए मौन भी जरूरी है। हम शरीर की साधना करें, मन जुबान को काबू करें, मन भी उसके कारण कुछ काबू में आ जाएगा, और उसका प्रभाव जो अगर पहला हमारे अंदर गुण है तो इसके ज्यादा लाभ होगा। और चौथा तप है आत्मनिग्रह, अपने वश में, आत्मा के वश में करना। यह अब उल्टी बात हो गई, आत्मा के कंट्रोल में मन हो, ये भाव है, अपने वश में मन हो। तो अपने क्या मतलब होता है, जैसे किसी ने कहा ना मैं, तो किसी ने कहता है कि मैं का मतलब शरीर नहीं, मैं का मतलब मेरी आत्मा है। जब हम कहते हैं मैं, तो हमारा मतलब भी जब कहते हैं मेरा मन, तो मेरा मन का मतलब किसका है, वो मन शरीर का नहीं है और किसे, आत्मा की तो है। जब हम मैं कहते हैं तो मैं का मतलब आत्मा ही होता है जो हम अंदर बोल रही है, मगर हम उसको ध्यान नहीं देते। हम मैं का मतलब ये कहते हैं, ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, मैं का मतलब आत्मा हमेशा होता है। तो आत्मनिग्रह, आत्मा के अधीन मन हो, पिता के अधीन पुत्र हो, ना कि पुत्र के अधीन पिता हो, आत्मा के अधीन मन हो, ना कि मन आत्मा को अपने अधीन में करे। ऐसी ये भी बड़ी तपस्या है, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल है। मन का शुद्ध करने मुश्किल है, मन को मौन करने मुश्किल है, और मन को इस प्रकार अपने कंट्रोल में करना मुश्किल है। मगर तब कर सकते हैं जब हम स्टार्ट ठीक करें, तो स्टार्ट तो आत्मा मन से शुद्धि से ही है ना, इसीलिए कहते हैं कि तुम माला भगवान का मंत्र जपते रहो, जनते रहो, अगली बातें फिर तुम्हारी खुद ही आएंगी। जब हम मन को भगवान नाम नहीं लेते जिस तरह लेना चाहिए, तो ये नाम फिर मन शांत होगा ना ही, और बातें आएंगी। तो ये चार चीजें हैं, मन प्रसादा, सौमत्वम, मौनम, आत्मनिग्रह, ये चार हैं, इनकी बड़ी जरूरी है। हम मन को वश में रखें, मन को साफ रखें, मन को शांत रखें, ये तपस्या है ना। जैसे वो पंच अग्नि तपते ना, ये शरीर के पंच अग्नि तपने का तमोगुण रिवाज है, तामसिक है तपस्या। क्या करते थे, गर्मी है ना, अब भी साधु करते हैं कई ऐसे, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको पता होगा, लेकिन गर्मी का दिन है, धूप में बैठे हैं, इधर चारों तरफ आग ला जाते हैं, अग्नि के पीछे इधर 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 चार धुएं लाते हैं, चार अग्नियां होगी ना, और ऊपर सूर्य आ गया,
बस सारे दिन बैठे रहते हैं, हम पंचाग्नि तप कर रहे हैं, पांच अग्नियां होगी ना, चार तरफ चार अग्नियां एक ऊपर सूर्य हम अब तक ये बस वो तो शारीरिक तप होगा कुछ हम उनको मैं बतला जो करते होंगे, लेकिन मानसिक तप में पांच चीजें ये हैं कि मन को शुद्ध करना और मन को सौम शांत रखना, मन को चुप रखने के यत्न करना और मन को अपने अधीन रखने का यत्न करना, और पांच में है भाव संशुद्धि रेत, भाव की शुद्धि, भावों की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, भाव विचारित होते हैं। अब हमारे अंदर अगर कोई बुरे विचार आते हैं तो समझो हमें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, अगर शुद्ध विचार आते हैं तो मन की तपस्या है, तो मन की तपस्या के लिए हमें विचार शुद्ध करने हैं, हमारे मन में अच्छे विचार ही आए, बुरे विचार ना आए। अब इसके लिए हमें अपने जीवन थोड़ा बदलना पड़ता है, अगर चाहे कि मन अच्छे विचारों में रहे तो हमें थोड़ा जैसे कहा ना जुबान की तपस्या, इस तरह आंखों में भी तपस्या करनी पड़ती है, शरीर और मन इकट्ठे चलेंगे। प्रभु ने कहा ना कि नजर हमेशा नीचे रखो चलते फिरते, ताकि दृष्टि द्वारा संसार के ये दृश्य तुम्हारे अंदर कम जाए। और ये भी कहते हैं कि देखो टीवी वगैरह कम देखना चाहिए, जब टीवी देखते हैं तो उनकी बातें फिर सारा दिन हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, तो फिर मन शांत कैसे होगा। आंखों को भी कंट्रोल करना है और जुबान को भी कंट्रोल करना है, तब जाके हमारे भावों की शुद्धि होगी। भाव कैसे शुद्ध होंगे, जब हम वैसे ही दृश्य हमारे सामने आते रहेंगे। तो ये पांच चीजें है, देख अब करेंगे कि शरीर का तप तो होगा भाई वो कर लिया, मन के तप क्या करेंगे, मन सूक्ष्म है, ये उसके जो व्रत है या ये तप है ये बड़े सूक्ष्म है, सूक्ष्म का संबंध सूक्ष्म से होता है। अब फर्श को तो साफ करना झाड़ू से कर लेंगे तो स्थूल है ना, शरीर को साफ करना है तो पानी से कर लेंगे, लेकिन मन को शुद्ध क्या हम ना झाड़ू से करते हैं पानी कर सकते हैं, मन को तो शुद्ध करना है हमने वो अपने मानसिक सूक्ष्म जो बातें उनसे करना है। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि पांच तप हैं मन के, इनको पहला तप तो इतना साफ है उसमें तो क्योंकि पहली चीज कर लें तो दूसरी चीज स्पष्ट हो जाएगी क्या ही करनी है, कि हम प्रभु जी का नाम दिन रात कोशिश करें मन के अंदर चलता रहे। अब देखो कैसे श्वास ये श्वास नहीं होता, वो हमारे हृदय के अंदर से श्वास निकलता है, वो हृदय वो वास्तव में सुषुम्ना नाड़ी का श्वास होता है, उस सुषुम्ना नाड़ी में जो चलता रहता है ना वो फिर उसमें आनंद भी ज्यादा आता है और वो काम काज करते भी चलता रहेगा, ये श्वास भी चलता रहेगा, बहुत श्वास भी चलता रहेगा, तो होता है प्राणों के अंदर श्वास चलता रहे और वो प्राणों के अंदर श्वास जो चलता रहेगा उसका इतना अभ्यास करते 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 जो कहा ना कि मरते समय ऐसा हो तो जो चीज जीवन में किया वही मरते समय कर सकते ना, ये थोड़ी कि जीवन में कुछ नहीं किया मरते समय कहे भगवान ने शवल किया बस अब हम करेंगे, तो वो होगा नहीं। परीक्षा मरना तो एक परीक्षा की घड़ी होती है, सारा साल जो विद्यार्थी पढ़ता रहता है परीक्षा में भी कुछ लिखेगा, सारी उम्र जिसने ये मंत्र जप किया है वही अंत समय करेगा ना, वही पास होगा, नकल तो भगवान के दरबार में नकल है कोई नहीं, वहां तो जो पढ़ा है वही बतलाना है। तो इसलिए ये हमने आज जो प्रभु ने हमारे पर कृपा की है कि हमें योग दिया है, और ये जो चीज है ये केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, ये तो मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे शरीर के साधन हो चाहे ये मानसिक साधन हो, चाहे कोई अल्लाह अल्लाह करके
भगवान का मंत्र जप करता रहे, चाहे वाहेगुरु करता रहे, चाहे ओम करता रहे, राम करता रहे। नाम तो जब अंदर है कि आत्मा जो भगवान का अंश है उसी के सारे नाम है। भगवान का जैसे हमने रामायण लिखा है कि भगवान का नाम क्या है, तो हम रामायण लिखा है कि भाई नाम तो पुत्र का नाम पिता रखता है, तो भगवान का पिता कौन है, उसे नाम रखना था। इसलिए भगवान के तो भाई जो भगत नाम रख ले भाई भगवान का नाम है, जिस नाम से पुकार लो वही नाम है। तो भगवान का नाम तो किसी रखा ही नहीं है, तो इसलिए सारे भगवान के नाम है। तो हमें ये नहीं सोचना कि योग किसी एक का है, योग सारे मानवता का है। और आज संसार महसूस कर रहा है कि योग हमारा है, कोई मनुष्य नहीं कहता कि हमने योग नहीं करना, चाहे शारीरिक हो चाहे ध्यान करते हो कुछ करते हो, ध्यान ही करते, ध्यान भी तो योग ही है, तो जिस तरह वो बतलाता करते हैं। तो हमें प्रभु जी का याद रखना चाहिए, प्रभु जी का उपकार याद रखना चाहिए जिन्होंने ये योग दिया है, और हम सब जीवों को एक जैसे समझें। जैसे गीता में कहा है कि संसार में मैं कहाँ, मुझे देख रहे हैं तो कहाँ देखें, सारे संसार में मेरी मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश सब जीवों के अंदर समाया हुआ है। तो मनुष्य है, पशु है, कोई है, दो चीजों से बना हुआ है, आत्मा से प्रकृति से। आत्मा कहाँ से आया, परमात्मा का अंश है, और प्रकृति भी सब किसान जी है, तो सारे इसलिए उसी अंश से हैं। तो भगवान का रूप जो जीवों के अंदर देखता है, भगवान को देख सकते हैं, तो भगवान तो कहाँ नजर आएगा, इधर हवा में तो नजर आते नहीं है। जीवों के अंदर हर एक जीव को भगवान का स्वरूप समझो, भगवान की तस्वीरें हैं बनाई, तो उस तस्वीर में भगवान को समाया हुआ है, वो जीवित है। तो इस प्रकार योग जो प्रवीण ने दिया ये हम सब का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम।